जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी घुटने से कटकट आवाज आता है या फिर दर्द देता है या फिर घुटने के किसी और भी समस्या से आप परेशान है तो यह वीडियो बस आपके लिए है। आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं या रनिंग करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका घुटना कटकट आवाज करता है। बहुत लोगों का कटकट तो आवाज करता है लेकिन उसके साथ दर्द भी देता है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा ही कटकट आवाज के साथ दर्द नहीं देता है। तो क्या उससे कोई समस्या है, उसको किस तरह से ठीक करें, उसके पीछे क्या रीजन है, सारा कुछ इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएं कि वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप क्या डाइट टिप्स फॉलो कर सकते हैं, डाइट में स्पेशली आप क्या खा सकते हैं, आप कैसा एक्सरसाइज करें, कौन कौन सा एक्सरसाइज करें, इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ एकदम डिटेल से और बारीकी से समझाएं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और मात्र 20 से 25 दिन इस वीडियो में जो मैं टिप्स बताऊं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो कटकट आवाज करता है या फिर दर्द देता है उसमें आपको आसमान और जमीन का अंतर दिखाई देगा, और घुटना की कोई भी और समस्या से आप परेशान है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और आपको पता है हमारे चैनल में बस सही चीजें ही बताया जाता है जो 100% वर्किंग रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय लिए। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये क्यों होता है। आपको अगर पता चल जाएगा ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आप उसका हल खुद ब खुद निकाल लोगे या फिर आप फ्यूचर में वो गलती नहीं करोगे कि जिससे आपको ये समस्या को बार बार झेलना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहला कारण क्या होता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला कारण है वह यह है कि आपका लिगामेंट या कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। लिगामेंट क्या होता है, जहाँ पर जो हड्डी जुड़ती है वहाँ पर लिगामेंट पाया जाता है। और कार्टिलेज क्या होता है, जैसे देखिए ये हड्डी है, ठीक है, ये जो हड्डी है टीबिया हड्डी और ये जो हड्डी है फीमर, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा हड्डी, जांग की हड्डी, ठीक है। ये दोनों हड्डी जैसे यहाँ पर जुड़ी, ठीक है, तो जो हड्डी का लास्ट परत होता है वो होता है कार्टिलेज, वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज क्यों हो जाता है, ओवर यूज के चलते आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग रनिंग करो या बहुत ज्यादा वर्कआउट करो एक्सेस, ठीक है, या फिर आप कभी इंजर्ड हो जाते हो। अब इंजर्ड दो तरीका से हो सकते हो, एक आप कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसके कारण आपका नी में दिक्कत आ गया, या फिर एक्सीडेंट इस तरह से भी हो सकता है कि आप कहीं फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको चोट लग गया, तो जिसके कारण भी आपका लिगामेंट या कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा है, माइनर है, तो वो आपका एक्सरसाइज से, डाइट से और रेस्ट से ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ACL टेयर है, PCL टेयर है, MCL टेयर है, ठीक है, या मिनिस्कस टेयर है, तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा, आप MRI कराइए, आप अच्छे से चेक करवाइए सारा कुछ, ठीक है। अगर आपका डिसलोकेशन होता है, मतलब कि घुटना निकलता है, आपको ऐसा फील होता है घुटना निकल गया, डिसलोकेट हो गया या फिर फंस जाता है एक पर्टिकुलर जगह जाके फंस जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में डॉक्टर को दिखाना होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं होता, बस दर्द देता है, तो ये सारा एक्सरसाइज और सारा डाइट टिप्स में जो आपको आगे बताऊंगा उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कारण हो गया कार्टिलेज या लिगामेंट डैमेज के कारण। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे कारण का, वो होता है आपका साइनोवियल फ्लूड का कम हो जाना। साइनोवियल फ्लूड का होता है, जैसे कि आपका जॉइंट है, ठीक है, नी का जॉइंट है, वहां पर एक फ्लूड पाया जाता है, पानी ऐसा पदार्थ जिसको बहुत लोग आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं या फिर तेल बोलते हैं या फिर पानी बोलते हैं कि तेरा घुटना का ग्रीस खत्म हो गया, ये हो गया, तो साइनोवियल फ्लूड होता है। वो कम हो जाने के कारण भी आपका जो घुटना से कटकट आवाज आता है या फिर दर्द देता है, आपको वो समस्या उससे भी आता है। वो किस तरह से हो जाता है, सेम आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, आप डाइट उस तरीका से नहीं ले पाते, आप इंजर्ड हो जाते हैं या फिर आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जिसके कारण साइनोवियल फ्लूड कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये हो गया दूसरा कारण। अब हम जब बात करते हैं तीसरा कारण की, वो क्या होता है कि जब आपका घुटना के बीच में जो लिक्विड होता है उसमें एयर बबल्स रिलीज होता है, जब आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर इसीलिए कट कट आवाज़ करते हैं, सही अभी, ठीक है, कट कट आवाज़ कर रहा, तो यहाँ पर एयर बबल्स जो है वो रिलीज हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस रिलीज हो रहा है जिसके कारण आपका कटकट आवाज़ करता है। तो अगर आपका कटकट आवाज़ करता है और दर्द नहीं देता तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दर्द देता है, फंसता है, तो आपको दिक्कत का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है, और क्या क्या चीज़ करना हम आपको आगे बताएंगे। ये हो गया इसका तीसरा कारण। अब जब बात आ गई चौथा कारण की, तो वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, आप जो मन वो खा रहे हो, ठीक है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह खा रहे हो, ठीक है, जिसके कारण आप मोटा भी हो जाते हैं, और मोटा होने के कारण भी कभी कभी नी में दिक्कत आ जाता है या फिर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण भी आपका कटकट की आवाज़ आती है या फिर दर्द भी देता है या फिर आपको घुटना की और भी कोई समस्या, तो इसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हो गया इसका चौथा कारण। दोस्तों जब हम बात करते हैं पांचवें कारण की, तो वह है एज फैक्टर। जब एज बढ़ता है तो धीरे धीरे
जो घुटना का ग्रीस है वो थोड़ा कम होने लगता है और लिगामेंट और कार्टिलेज हल्का डैमेज होने लगता है। ठीक है, अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे या फिर आप हल्का फुल्का भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है तो, या फिर बहुत बार इस तरह भी होता है कि आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के चलते भी आपका नी में समस्या आने लगता है, घुटना में प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप ये सारे चीज़ से परेशान है या फिर आपका घुटना बहुत ज़्यादा फंसता है, मतलब यहाँ पर आके रुक गया, उसके बाद कट कर आ रहा आगे बढ़ रहा है, या फिर डिसलोकेशन फील होता है, चलते चलते लगता है निकल गया, तो आप MRI कराइए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए। ये वीडियो देखने का समय नहीं है, ठीक है, आप डॉक्टर से मिलिए, आप वही डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं छठे कारण की, तो वह यह होता है कि आप कंटिन्यूअस हार्ड सरफेस पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, रनिंग, वर्कआउट वगैरह करते रहते हो, जैसे कि रोड हो गया, सीमेंटेड हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस कहीं भी, तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट प्रेशर आपके एंकल पे, आपके नी पे पड़ता है, इसके कारण आपको एंकल पेन या फिर नी पेन या फिर कट आवाज़ देने लगता है। तो उस सिचुएशन में आप कोई अच्छा शूज़ ज़रूर लिया करें, और रोड रनिंग के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि कब करना है, कैसे करना, सारा कुछ एकदम डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी एक बार चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें, पहला तो आपका डाइट टिप्स मैं बता रहा हूँ, और दूसरा चीज़ मैं बताऊँगा एक्सरसाइज, कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है। डाइट में सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम रिच डाइट लेना है। अब कैल्शियम रिच डाइट आपको कहाँ से मिल जाएगा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं दूध का, ठीक है, दूध हो गया, पनीर हो गया, आपका दही हो गया, ये सारे चीज़ का प्रोडक्शन थोड़ा हाई करें, ग्रीन वेजिटेबल का प्रयोग करें, और दो ड्रिंक बता रहा हूँ, ठीक है, दो ड्रिंक। एक ड्रिंक है कि आप क्या करें, रात में जब सोते हैं तो दो अंजीर ले लें, दो अंजीर को दूध में बॉईल करके और अंजीर को रात में खा के सो जाएं, ये आपका कैल्शियम की कमी को पूरी कर देगा, और इसमें अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपका नी में या फिर बोन में या फिर कहीं भी कोई दिक्कत होता है, हेयर फॉल होता है या फिर स्किन में रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर बहुत भाई मेरे ऐसे हैं कि जो अंजीर भी नहीं ले सकते थोड़े पैसे के चलते, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूध के साथ हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आधा चम्मच या एक चम्मच हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं दूध में रात में जब आप सोते हैं, तो ये भी आपका कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा, और आपका जो भी नी में पेन है या फिर फूला है, दर्द देता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दो ड्रिंक आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक चीज़ लेना है, या अगर आप अंजीर ले रहे हो तो अंजीर का जरूर रात में दूध के साथ सेवन कर लो, या फिर अगर आप अंजीर नहीं ले पा रहे हो तो आपको लेना है हल्दी दूध, गोल्डन मिल्क जिसको बोला जाता है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ये हो गया पहला डाइट टिप्स आपको ध्यान रखना है। दूसरा डाइट टिप्स की जब हम बात करते हैं तो वो है मेथी दाना। ठीक है, घुटना का दर्द या कोई भी जॉइंट की समस्या से आप परेशान हैं तो आपको मेथी दाना में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मेथी दाना का अगर आप यूज़ करते हैं, मेथी दाना का अगर आप अच्छे से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर आप यूज़ कीजिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा बस 20 से 25 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इसको आप किस तरह से उपयोग कर सकते हो, पहला कि आप आधा चम्मच से एक चम्मच मेथी दाना को आप रात में फूलने दे दो, सुबह उस पानी को पियो, उस पानी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, और उस पानी से आपका जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा, और उसको आपको चबा चबा के लास्ट में एक चम्मच बचा चबा चबा के खा लेना। ठीक है, कैसे करना है एक बार फिर से समझना, रात में आधा से एक चम्मच फूलने दे दिए मेथी दाना को, सुबह में उस पानी को पीना और उसको पीछे से उस जो मेथी बचा हुआ उसको चबा के खा लेना। और बहुत लोग का क्या होता है कि चबा नहीं पाएगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप भूंज ले मेथी को बिना तेल का, ठीक है, उसको पीस ले, पाउडर बना ले, और सुबह में एक चम्मच मारे और ऊपर से पानी पी ले, इस तरह से ले सकते हैं। या फिर तीसरा, आप अपने खाने में मेथी का प्रयोग करवाएं घर में। ठीक है, मेथी दाने का प्रयोग करवाइएगा तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, आपका जो नी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आपका शरीर में आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लगता है, ठीक है, या फिर आपका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से इशू है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया दो डाइट टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और साथ में जंक फूड, फ्राइड फूड को थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। तो डाइट टिप्स में आपको यही सारी चीज़ फॉलो करना है, जो मात्र 20 से 25 दिन आप कीजिए, और जो मेथी दाना का है आपको 25 दिन प्रयोग करना है, फिर 5 दिन छोड़ देना, फिर 25 दिन प्रयोग करना, इस तरह करते करते आप 2 से 3 महीने का प्रयोग कीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि आपका घुटना या फिर जॉइंट में जो भी दिक्कत था धीरे धीरे आराम से खत्म हो गया, और कट का जो आवाज़ आता था वो भी खत्म हो गया। अब ये डाइट टिप्स तो हो गया, समझ में आ गया डाइट में आपको क्या क्या चीज़ लेना है। अब दूसरा जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर डाइट के साथ आप एक्सरसाइज कर लोगे तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला चीज़ आपको करना है थोड़ा मसाज। अब घुटने पर बहुत रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करना, हल्का ऑयलिंग करना है।
ठीक है, आप वहाँ पर सरसों तेल या फिर जितने भी मार्केट में जो भी आपको ऑयल मिलता है नी पेन से रिलेटेड या फिर जॉइंट पेन से रिलेटेड, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप घर में सरसों तेल लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकें तो बात ही अलग है, ठीक है। वो उसमें पेन को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर क्या करेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर लेगा, जिसके कारण आपका न्यूट्रिशन अच्छे से पहुँच पाएगा और आपको जो भी दिक्कत होता है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको मसाज करना है हर दिन रात में सोने से पहले, और रगड़ रगड़ के जॉइंट पे कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करते, हल्का हल्का ऊपरी लेयर पर इजी इजी मसाज करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप स्क्वाट लगा सकते हैं, आप 15 से 20 रेपिटेशन का 2 से 3 सेट स्क्वाट लगा सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर 90 डिग्री बनाना और अपने फॉर्म को ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा हिलना डोलना नहीं है, आगे पीछे नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। जो दूसरा एक्सरसाइज वह है हमारा वॉल स्क्वाट। स्क्वाट का ही वेरिएशन है, इसमें आपको होल्ड करना है, ठीक है। अगर दीवार है तो दीवार, नहीं तो पोल या फिर पेड़, किसी चीज़ का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपने क्षमता अनुसार कम से कम 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का कोशिश करें, इसका 2 से 3 सेट लगाएं। यह आपका नी को स्ट्रेंथिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है वह है स्टेप अप एक्सरसाइज। यह सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है नी को स्ट्रेंथन करने के लिए, नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। यह आपका आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन कर देता है, जो आपका नी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। इसका भी आप 15 से 20 रेपिटेशन का 2 से 3 सेट लगाएं, और आपको आगे के साथ साथ साइडवर्ड भी करना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका जो ओवरऑल मसल्स है नी के आसपास का पूरी तरह से ट्रेंड हो पाएगा और मजबूत हो पाएगा, और आपका नी जॉइंट भी साथ साथ मजबूत होगा। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वह है वन लेग बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसी तरह बिल्कुल बैलेंस करना अपने बॉडी को, और अपना जो अगला पैर है उसको चारों तरफ टच करना है, ठीक है। यह आपका नी के आसपास के मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन कर देगा, और जिसके कारण आपका नी का जॉइंट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा, और जो आपका कटकट आवाज़ आता है, दर्द देता है, या फिर नी के किसी और भी समस्या से आप परेशान हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यह एक्सरसाइज को अपने रूटीन में आपको ज़रूर जोड़ना है। इन सारे एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, वो भी बहुत जल्दी। ये सारे एक्सरसाइज को आपको सेम हर पैर से 10 से 12 रेपिटेशन लगाना है, और इसके 2 से 3 सेट करना है, ठीक है, और आपको दोनों लेग से करना है। यह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, और आपके नी के आसपास का जो भी मसल्स है उसको अच्छे से स्ट्रेंथन कर देगा, और आपके नी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे एक्सरसाइज को आप ज़रूर कीजिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हर दिन आपको टाइम देना है। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड की उपलब्धि नहीं है, तो आप साइकिल के ट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका घुटना में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करना है। थोड़ा एक्सरसाइज जब घुटना दर्द थोड़ा ठीक हो जाए तो उस समय एक्सरसाइज करना है, ठीक है। या फिर कटकट करता दर्द नहीं देता, या फिर हल्का फुल्का भी दर्द देता, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है तो एक्सरसाइज को थोड़ा अवॉइड करना है, और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हो, उसके बाद जब आप वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करते हो, तो आपको नी कैप भी पहनना है। नी कैप पहनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा, आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा फर्दर जो भी इंजरी आने वाली है उससे, ठीक है। और अगर आपको नी कैप का कोई लिंक चाहिए, या फिर नी कैप आपको नहीं मिलता अच्छा कोई अच्छे कंपनी का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था नी पेन से रिलेटेड डिटेल वीडियो, ठीक है। अगर आप ये सारा चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बस 20 से 25 दिन ही करना है, उसके बाद मेरे को आप रिजल्ट कमेंट में खुद बताने आए कि भैया मेरा ठीक हो गया, ठीक है। और जिनका भाई डिसलोकेट होता है, घुटना ऐसे बाहर निकलने का लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा फंसता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो देखने से, दुनिया का कोई वीडियो देख लो, कोई ठीक नहीं कर सकता, आपको डॉक्टर पास जाना होगा। आपका हो सकता है ACL, PCL, MCL, LCL या फिर मिनिस्कस या फिर लिगामेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो, तो MRI में ही पता चलेगा और वो डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह हमेशा खुश रह के चिलचिलाते रहें। धन्यवाद।